साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत 9 नवंबर को जेल से बाहर आ गए, उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए और फिर जेल से बाहर आकर जेल के बुरे हालात बताए, अपनी कंडीशन बताई। राउत ने साफ कहा कि ऑर्थर रोड जेल में नरक जैसे हालात हैं और वो फिर वापस से जेल नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच नई और सबसे बड़ी खबर आ गई, संजय राउत की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हां, राउत की फ्री जिंदगी अब सिर्फ 2 ही हफ्ते की बची है क्योंकि 18 फरवरी को बहुत कुछ होना है, इसे ईडी का बहुत बड़ा दांव कहा जा रहा है। 18 फरवरी को राउत का काम तमाम हो सकता है और इस खबर के बाद संजय राउत के घर पर भी मातम सा सन्नाटा छाया हुआ है। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 18 फरवरी का वो दिन है, 18 फरवरी की वो तारीख है जो मुकर्रर की गई है संजय राउत की जिंदगी के फैसले पर। संजय राउत के भविष्य का फैसला उसी दिन होने वाला और ईडी ने इस बार ऐसा दांव चला है, ऐसा खेल रचा है कि संजय राउत को अब कहीं से भी बचाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। संजय राउत को 9 नवंबर को जमानत मिली थी और तब से ही वो जेल से बाहर है। हालांकि तभी निचली कोर्ट में भी ईडी ने संजय राउत की जमानत का विरोध किया था मगर लोअर कोर्ट ने राउत को जमानत दे दी। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उस वक्त इस मामले में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया था। मगर इसी मामले में, जी हां, संजय राउत की जमानत के मामले में ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आ गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जी हां, संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और तय किया गया था कि इस पर सुनवाई होगी और फिर फैसला भी किया जाएगा। अब सबसे बड़ी कहें कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 18 फरवरी को इसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए 18 तारीख को तय किया गया। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद संजय राउत की जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। सुनवाई क्या होगी, उसी दिन फैसला भी आ सकता है। आगे देखिए, 18 फरवरी को संजय राउत की जमानत को रद्द करने की सुनवाई होगी तो इस बार ईडी ने पुख्ता तैयारी कर ली है। ईडी सूत्रों का कहना है कि जो सबूत, जो गवाह वो ट्रायल में पेश करने वाले थे, जिनको केस चलाने के दौरान लाया जाना था, तो वो ईडी ने अब तय किया है कि इसी बार यानी कि जमानत को रद्द करने वाली सुनवाई के दौरान ही बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और ईडी सूत्रों के मुताबिक ये इतने पुख्ता सबूत हैं, इतने पुख्ता गवाह हैं कि संजय राउत को भी पता है कि उनके हालात खराब हो सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दांव यहाँ पर ईडी ने खेला है, बहुत बड़ी चाल यहाँ पर ईडी ने आगे बढ़कर चली है और इसमें यहाँ पर संजय राउत के हालात खराब हो सकते हैं और इसीलिए राउत को भी पता है कि उनका खेल इस बार खत्म हो सकता है। इसीलिए तो उनके घर पर मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ है, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ नजर आती थी वो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक हालांकि संजय राउत के घर पर वकीलों की फौज जरूर पहुंच रही है, वकीलों के साथ मंत्रणा चल रही है क्योंकि इस बार मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और इस राउत को राहत की उम्मीद दिखने रही है। इसीलिए तो वकीलों से मंत्रणा की जा रही है कि इससे बचा कैसे जाए। ईडी ने तो साफ कह दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूतों की पूरी पोटली है और उस पूरी पोटली से वो एक झटके में संजय राउत की जमानत को रद्द करा देंगे और एक झटके में संजय राउत को फिर से जेल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर समझिए, अब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में संजय राउत की जमानत रद्द होती है तो फिर तुरंत ही संजय राउत को सरेंडर करना होगा और अगर राउत सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और सीधे ही उन्हें फिर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में पहुंचा दिया जाएगा। और इस बार जमानत रद्द होती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से ये जमानत रद्द होगी तो फिर वापस से बॉम्बे हाई कोर्ट से ही जमानत मिलने की संभावना भी बेहद कम होगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना संजय राउत क्या किसी के लिए भी आसान नहीं है। यानी कि करीब करीब अगले लंबे समय, या कहें कि कम से कम 1 साल तक तो संजय राउत फंस ही जाएंगे, बुरी तरह से स्टक हो जाएंगे, जेल के अंदर ही उनको रहना पड़ सकता है अगले लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर 2 हफ्ते का काउंटडाउन यहां पर बेहद खतरनाक है संजय राउत के लिए और 18 फरवरी का दिन संजय राउत के लिए उनकी जिंदगी के लिए कयामत ला सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई संजय राउत अब की बार फंस जाएंगे? ईडी के सबूतों में, गवाहों में क्या इतना दम है कि वो संजय राउत को फिर से जेल के अंदर डाल देंगे? आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बदलावा रुख, तब से ही उनके हालात बदले हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। और हालात ये थे कि शुरुआत में तो महाराष्ट्र में अपने धुर विरोधी देवेंद्र फडणवीस तक की तारीफ करने लगे थे और फिर पीएम मोदी अमित शाह तक की भी तारीफ की थी। हालांकि बीच बीच में संजय राउत कुछ बवाली बयान भी देते रहे, लेकिन अमूमन संजय राउत बैकफुट पर ही दिखे, डरे हुए ही दिखे। लेकिन अब अचानक से संजय राउत के सुर बदल गए। जी हां, अचानक संजय राउत एक्शन में आ गए और राउत ने गियर बदल कर हमला कर दिया, फ्रंट फुट पर आ गए। आप पहले बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या है और फिर बताएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है या कहें कि राउत के सिर पर किसका हाथ है। तो संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री और अपने दूर विरोधी नारायण राणे पर सबसे बड़ा अटैक किया है। नारायण राणे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। संजय राउत ने अपने वकील के जरिए मानहानि का केस कराया है, जिसमें नारायण राणे पर आरोप है कि 15 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के भांडुप में आयोजित एक कार्यक्रम में नारायण राणे ने उनकी यानी कि संजय राउत के खिलाफ गलत अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो कि पूरी तरह से गलत है, झूठ है, मिसलीडिंग है। और आरोप लगाया है कि इससे संजय राउत के सम्मान को ठेस पहुंची है, मानहानि हुई है और इसीलिए संजय राउत ने वकील के जरिए मानहानि का बड़ा केस केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ दर्ज कराया है। अब कंडीशन ये है कि कल तक नारायण राणे बहुत सारी बातें संजय राउत पर कह रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, बड़े बड़े हमले कर रहे थे, लेकिन तब संजय राउत चुप थे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक फ्रंट फुट पर आकर संजय राउत ने छक्का मारने की कोशिश की है, नारायण राणे को घेर लिया है, बड़ा हमला करते हुए मानहानि के केस में दबोच लिया है। अब हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई में इसे लेकर खासी हलचल है, खासी चर्चाएं चल रही हैं कि संजय राउत अचानक शेरनी का दूध पीकर कहां से आ गए, कहां से राउत इतने साहसी हो गए और कहां तो अब तक जो बैकफुट पर थे तो अब फ्रंट फुट पर कैसे आ गए। अब सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ बड़े लेवल के नेता इस बार संजय राउत के साथ हो सकते हैं। जी हां, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही है और महाराष्ट्र बीजेपी के ही कुछ नेता नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाना चाहते हैं और इसके लिए हो सकता है कि अंदर खाने संजय राउत से हाथ मिला लिया हो सकता है कि संजय राउत को किसी बात का भरोसा दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि नारायण राणे को गिराने के लिए कोई डील की गई हो जिसमें संजय राउत का भी कोई फायदा शामिल हो, या फिर आगे संजय राउत को कुछ फायदा मिलने वाला हो, इसकी संभावना बनी हुई हो। अब संजय राउत के इस एक्शन से मुंबई की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया और कहा तो यहां तक जा रहा है कि नारायण राणे को गिराने के लिए संजय राउत को ही यहां पर ताकतवर बनाया जा रहा है और उसी प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है, जिससे कि अचानक से संजय राउत ताकतवर नजर आ रहे हैं, अचानक से संजय राउत बिल्कुल जोश में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं यहाँ पर संजय राउत एक बार फिर सिर्फ मोहरा ना बन जाएं, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, अगर ऐसा है, अगर किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर संजय राउत चल रहे हैं, किसी के इशारे पर अपने काम कर रहे हैं, और तो ये राउत के लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, बवाल और विवाद जारी है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, क्या वाकई संजय राउत अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, या फिर इस ताकतवर होने के साथ साथ संजय राउत के लिए आगे अच्छे दिन आने वाले हैं? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।